माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने अपने विवेक से जिस तरह हाउस के टेम्पर को कूल किया है और हाउस को आप ऑर्डर में लाए हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। यहां पर जितने भी माननीय विधायक हैं, आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है, जनजाति विभाग पर। और जनजाति विभाग पिछले 50 साल से काम कर रहा है। क्या जनजाति विभाग के कार्यक्रम, क्या जनजाति विभाग के उद्देश्य पूरे हो रहे कि नहीं, इस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और सबसे पहले अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दक्षिणी राजस्थान, वहां एक मांग उठी है भीली स्थान की। अब ये भीली स्थान की मांग राजस्थान को खंडित करने वाली मांग है, और ये मांग जो उठी है न केवल दक्षिणी राजस्थान में उठी है, उसकी पहुंच इस विधानसभा तक भी हो चुकी है। क्या हम गंभीरता से विचार नहीं करें कि ये मांग क्यों उठी, क्या ये कारण है, क्यों इस राजस्थान का हरा भरा राजस्थान, रंग रंगीला राजस्थान, इससे हमारा एक भूभाग क्यों हमसे अलग होना चाहता है और अलग से राज्य क्यों स्थापित करना चाहता है, इस विषय पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। और विचार के बाद ऐसी नीतियां बने कि जिससे जिन वर्गों ने यह मांग उठाई है वो सेटिस्फेक्टरी स्थिति में आ जाए। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि वेस्ट बंगाल में नक्सलवाड़ी नाम का एक गांव था, वहां पर अन्याय था, ऊंच नीच थी, आदिवासी थे और सरकार की तौर से कोई प्रोटेक्शन नहीं था, इसलिए वहां के नौजवानों ने हथियार उठा लिए और उससे बंगाल में कितना खून खराबा हुआ, ये आपसे और मुझसे छिपा नहीं है। नक्सलवाद अपने आप में एक राजनीतिक थीसिस के रूप में सामने आया है, ये भी आपको मालूम होगा। और ये आपके सामने इसलिए रेफरेंस दे रहा हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, दक्षिणी राजस्थान में नक्सलवाद के बीज भी पहुंच चुके हैं, क्या उन बीजों को रोका जाए? माननीय अध्यक्ष महोदय, सारे बैठिए, राजकुमार गलत कदम पर डाल रहे हैं आप। पहली बार सदन में आए और आप अपने बात करें, आपको ये भी नहीं है ध्यान के सदन में कौन सदस्य बोल रहा है? यू डोंट वांट टू लर्न एनीथिंग। आप प्लीज, आपका अधिकार नहीं है, गदर का आप फैसला करोगे क्या? आपका फैसला दूसरा करेगा और आप उनका फैसला करोगे? आपको अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है, दूसरों को भी अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है। मानी मेघवाल साहब, मैं जानता हूं इस विषय पर कुछ टेम्पर्स आए होंगे, लेकिन इन सब टेम्पर्स के बीच में हमको इस विधानसभा में ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा कि जिससे आदिवासियों में जिस तरह की आज अव्यवस्था चल रही है, जिस तरह का असंतोष चल रहा है, उस असंतोष को रोका जा सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा अभी नक्सलवाद के लिए कहा, उसके बीच भी पहुंचे, और माननीय अध्यक्ष महोदय माओवाद के बीच भी वहां पड़ रहे, ये मैं आपके सामने इसलिए लाना चाहता हूं कि आखिर हजारों साल से जो आदिवासी कहे जाने वाले वर्ग था उसमें आज असंतोष है। अब उस असंतोष को कैसे दूर किया जाए, क्योंकि आज तक जितने हमारे प्रोग्राम बने, जितने हमारे विकास के आगे बढ़ने के प्रोग्राम बने, उन विकास के आगे बढ़ने के प्रोग्राम को आदिवासी नौजवान जो है दक्षिण का वो रिसीव नहीं कर रहा। और मैं आप इसका कारण है कि हम दक्षिणी राजस्थान जिसको शेड्यूल्ड एरिया कहा जाता है, उस शेड्यूल एरिया में 8-9 जो है जिलों के जो है आदिवासी रहते हैं, उनके आज जाके आप देख लीजिए, आज सर्वे करा लीजिए, एक तिहाई या एक चौथाई वहां की जो जनसंख्या है वो गुजरात में मजदूरी के लिए जा रही है, गुजरात में जा रही, क्योंकि हम स्थाई उनको पर यहाँ किसी तरह का रोजगार नहीं दे सके। आज आप माननीय अध्यक्ष महोदय, आप दैया अम्बासा चले जाइए, आप उदयपुर जिले से आते हैं, वहां जाकर आप देखेंगे तो आज भी सर्दियों में कथोड़ी जो एक वृक्ष काट करके और सारी रात गुजार देते हैं, ये आज के वहां की हालत है। यह अभी चर्चा हुई हमारे झाड़ोल या फलासिया के आने वाले माननीय विधायक बाबूलाल जी खरोड़ा ने, खिलाड़ी ने जो स्थिति यह बताई, जो दयनीय स्थिति,
जो स्थिति है, जो सरकारी कार्यक्रम है वो कैसे चल रहे हैं, क्योंकि ये सारे कार्यक्रम की एक पोथी हमको दे दी गई है, लेकिन उस पोथी में जितने भी कार्यक्रम है वो संतोषप्रद नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ कि आदिवासी कोई एक जाति नहीं है, ट्राइब्स कोई एक जाति नहीं है, ट्राइब्स की 12 जातियां जो नोटिफाई की है 1950 में, और नोटिफाई होने के उस 12 जातियों के भी उपजातियां 41 है, और इन सब जातियों में उनके सबके रहने सहने उठने बैठने सांस्कृतिक धार्मिक और सामाजिक सारे पैटर्न अलग अलग है। जब सारे पैटर्न सबके अलग अलग है तो क्या एक पैटर्न से इन सबका भला हो सकता है? मैं आपके सामने अभी आंकड़ा रखा था हमारे बाबूलाल जी ने, ये ट्राइबल एरिया 80% लोग ट्राइबल एरिया में है आदिवासी जनसंख्या, बाकी सारे राजस्थान में 20%। अभी 80% में कितने RAS है, कितने IAS है, कितने IFS है, कितने IPS है और कितने राज्य सेवक है, इसका एक आंकड़ा मंगा के आप देख लीजिए तो आपको 50 साल की जो प्रगति क्या है उसका आपको दिग्दर्शन हो जाएगा। हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस अमृत महोत्सव में हमको ये देखना पड़ेगा, और देखना इसलिए कि मैं चाहता हूं कि जो कुछ नीतियां आज बनी है उन नीतियों पर पुनर्विचार हो, पुनरावलोकन हो, और इसलिए हो कि आदिवासी जो भी है, ट्राइब में जो भी है, उनको समान रूप से जो है विवरण हो। अभी जैसा एक बात उठी है बिहार में, अब उसमें क्या औचित्य और क्या नहीं है इस विषय में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वह बात उठी है कि जातिवादी जनगणना की जाए, और जातिवादी जनगणना इसलिए की जाए कि जातियों के आधार पर राज्य के फलों को वितरित किया जाए, राज्य की सुविधाओं को वितरित किया जाए। वही एक मांग माननीय अध्यक्ष महोदय आज भी यहाँ पर उठा रहा हूं, इन सारी 12 जातियां जो है ट्राइब्स की, इन 12 जातियों का जनगणना की जाए चाहिए, और इस जनगणना के आधार पर कितनी जनसंख्या किसकी है जो राज्य के हित है, राज्य के लाभ है, राज्य का जो खजाना है उनमें वितरित किया जाना चाहिए। ये नई बात मैं आपके सामने लिखता हूं कि तभी जो वंचित है जिनका आज तक कोई लड़ा झड़ा नहीं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं राज्य सरकार ने भी और केंद्र सरकार ने भी आदिवासियों ट्राइब्स के लिए विशेष प्रयास किए। हमारे संविधान में आर्टिकल 338 में एक कमीशन कायम हुआ, वो कमीशन था दोनों जातियों का, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कमीशन कमिश्नर ये कायम हुआ, लेकिन बहुत समय तक ये बात तब समझ में आई कि शेड्यूल कास्ट की जो है समस्याएं अलग है, शेड्यूल ट्राइब की समस्याएं अलग है, और 19 जनवरी 2004 को शेड्यूल कास्ट का जो है वो एक अलग से कमीशन पैदा हुआ और कमिश्नर पैदा हुआ, उसको अलग से जिम्मेदारियां दी गई, तब से वो काम करता है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय आपके पास ये नियमावली पड़ी है, अपनी नियमावली, उसमें 176 कर देखिए आप नियम, उस नियम में क्या लिखा है कि केंद्र की जो कमिश्नर की रिपोर्ट आएगी वो रिपोर्ट विधानसभा में रखी जाएगी, न केवल एक सत्र में, अपने नियम में जो आधार किया है सत्रों सत्रों में। मुझे अफसोस ये कहते हुए, मेरे वक्त में भी गलती हुई है, आपके वक्त में भी गलती हो रही है, और इसलिए सुधारना चाहिए। क्यों रखी जाए हर सत्र में कि आदिवासियों के बारे में विचार बने, आदिवासियों के बारे में समस्याएं सामने आए और उन समस्याओं के समाधान इस सदन से निकले जाए। तो मैं ये बात आपके सामने इसलिए कह रहा हूँ कि ये निरंतर रिव्यू होने वाली स्थिति है। आखिर कहाँ खड़ा है आज का हमारा आदिवासी? अगर उनको हम मुख्य धारा में नहीं लाए तो ये जो हिंसक आंदोलन चलते हैं, जिस तरह की जो है देश में वातावरण बन रहे हैं, उनकी तरफ आदर्श भूखा क्या नहीं करता, उस समय आकर्षित होंगे। वो आकर्षण जो है आदिवासियों का इस देश को ठीक ढंग से आगे बढ़ाने में बाधा बढ़ेगा। तो इस विषय पर भी विचार किया जाए माननीय अध्यक्ष महोदय, और इस विषय भी विचार किया जाए कि हमारे यहाँ जैसे आज आपने रखा ये विषय है, अब इस विषय में जितने छात्रावास चल रहे हैं क्या वे पर्याप्त है, जितनी शिक्षण संस्थाओं के चल रही है क्या वे पर्याप्त है, क्योंकि एक आदिम आदिवासी है सहरिया जाति, आदिमवासी सहरिया जाति के लिए जो बारा में है, किशनगढ़ और शाहबाद में है, उनके लिए विशेष प्रावधान है कमीशन ने,
आदिवासी कमीशन ने आदेश दिया कि इस एरिया में, क्योंकि आदिवासी दूर दूर थे, शहरिया दूर दूर है, इनकी विशेष कल्चर है, यहाँ पर हमको हमेशा हर घंटा कितनी है, गांव में लोग कितने रहते हैं ये नहीं देखना है, लेकिन वहां आपको शिक्षा की सुविधा है, चिकित्सा की सुविधा है, दूसरी सुविधा है जो जनजीवन को जो है समाधान करती है, उन सबको पहुंचाया जाए और सरकार के खर्चे से पहुंचाया जाए। क्या उसकी आज पालना हुई? क्या उसको हमको आज इम्यूलेट नहीं करना चाहिए? माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आदिवासी को मुख्य धारा में लाने के लिए मुझे मालूम है दो धाराएं चल रही है। जो आदिवासी शिक्षित हो गया, पढ़ लिख लिया, नौकरियों में आ गया, वो आपकी समाज के मुख्य धारा में समावेश हो रहा है, और जो आदिवासी शिक्षित नहीं हुआ अभी तक गाँव में ही है, वो अपनी पुरानी संस्कृति के आधार पर अपने को जीवित रखेगा। और इस स्थिति में दोनों धाराओं का एक जो है समन्वय होना चाहिए, वो नहीं हुआ तो आदिवासी अपने आप में बढ़ जाएंगे और आदिवासी आदिवासी के बारे में गलत धारणाएं पैदा करेगा। तो आज सारे देश में जिस तरह की हालत चल रही है, आज नौकरियों में आप देख लीजिए, मैंने अभी आपको कहा ट्राइबल एरिया 8 जिलों का है, 80% की आबादी, वहां जितने कार्यक्रम आपके चल रहे हैं वो कार्यक्रम अधिक लाभान्वित नहीं कर रहे। मुख्य धारा में लाने के लिए ट्राइब्स को हमको इस सारी जो व्यवस्था चल रही है उसको रिवाइज करना पड़ेगा, और रिवाइज करने के बाद प्रॉपर वे में, क्या आज समाज शास्त्रियों से इस विषय पर चर्चा हुई? क्या आज नरवंश शास्त्रों से इस विषय पर चर्चा हुई? क्या आज समाज विज्ञानियों से इस विषय पर चर्चा हुई? आखिर आदिवासी आदिवासी के रूप में क्यों आज रह रहा है, क्यों आज भूतवी तरह का आरोप है, क्यों उसमें जागृति नहीं आ रही है? और जिस तरह की जागृति आ रही है वो दिशाएं गलत आगे बढ़ रही है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर कमिश्नर की रिपोर्ट, उसको इसी सत्र में आप रखना चाहे तो रखे, कि उसमें सारे सुझाव है। कमिश्नर ने दोनों रिपोर्ट्स, आज की रिपोर्ट्स भी आप देख लीजिए, सब रिपोर्ट्स में सुझाव है, और क्या उन सुझावों को लागू करने का हमारा कर्तव्य नहीं है? वो सुझाव है वैज्ञानिक आधार पर दिए हुए, वो सुझाव है निर्वचन शास्त्रों के आधार पर दिए हुए, वो सुझाव है समाज शास्त्रों के आधार पर दिए हुए। ये वो वर्ग है जो वैज्ञानिक वर्ग है, जो परंपरा से चली आई आदिवासी संस्कृति को मुख्य धारा में किसे लाया जाए बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी कारण के, ये वो सुझाव है जिन सुझावों पर इस समय में चिंतन होना चाहिए और नई दिशाएं तय करना चाहिए। बाकी ये रस्म अदायगी हो जाएगी, हर साल मैं देख रहा हूँ हमारे वक्त में भी, आपके वक्त में भी जनजाति विभाग आ जाएगा, रस्म अदायगी हो जाएगी, इतने स्कूल खोले, इतने ये पढ़ लिए, इतने छात्रावास खोले, इतनी छात्राएं आगे बढ़ गई, और इनको जो है हम जो है ये सुविधाएं दे रहे, क्या वो पर्याप्त है? ये विषय है, और पर्याप्त है ये तो कितना होना चाहिए, क्योंकि कमजोर वर्ग, मुझे एक जो स्थिति आती है उस स्थिति में मुझे इतराज है कि भाई कितनी परसेंटेज है, इतना परसेंटेज तो सब प्लान को इतना परसेंट पैसा दे दो, क्यों? जो कमजोर है, जो बड़ी बीमारी है, उसके लिए ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, खजाने से ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, और वो स्थिति आज मैं शेड्यूल कास्ट के बारे में नहीं कह रहा, आज मैं शेड्यूल ट्राइब के बारे में कह रहा हूँ कि आज आपका जो है सबसे ज्यादा शेड्यूल ट्राइब जो है बिखरी जातियों में आपके जैसलमेर में, पाली में चली गई, जैसलमेर और पाली में क्या हाल है बिलोक, वो स्थिति देख लीजिए, वो आज भी हाल ही है सब जगह। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पिछले दिनों पढ़ा होगा, शिशु और बच्चे आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए बेचे जा रहे हैं। क्या हमारे देश की स्थिति ठीक नहीं है? ठीक है। क्या हमारे राजस्थान में जो स्थिति है, आखिर क्यों बच्चे कोई कलेजा कोई बेचेगा? आप सोचिए, आज तक जो है कलेजे के लाल कहलाते हैं सब, तो कलेजे का लाल बेच रहे हैं, और बेचने के साथ वह एक प्रथा चलती थी गुलामी की, आज वो परिवर्तित हो गई, आज भी है गुलामी की प्रथा, आज भी है हरी रखने की प्रथा, आज उनको आशीर्वाद दिवसो आदिवासियों को ठीक ठीक से भोजन नहीं मिल रहा, पौष्टिक आधार नहीं मिल रहा, ये सारी स्थितियां जो आज देश में चल रही है उस देश में, और विशेष करके राजस्थान में हमको इन विषय पर गंभीरता से विचार करके और आगे बढ़ना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आखिर क्वालिटी एजुकेशन, आपके कमीशन ने आदेश दिया विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में शेड्यूल कास्ट का प्रतिनिधित्व नहीं है, अगर नहीं है तो कैसे पूरा किया जाए?
ये आपके सामने इसलिए रखता हूँ कि आखिर कुछ क्षेत्र हैं जहाँ की शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को ये विश्वास होना चाहिए कि हम भी इस देश की जो है उच्च स्तरीय शिक्षा है उस पाने के हकदार है। हमारे लोग भी उच्च स्तरीय शिक्षा में है और वो है तो उनका जो है प्रॉपर समाधान, आर्थिक स्थिति कमजोर है तो सब जानते आदिवासी आज तक खाता क्या है। आपके मनोपुर आजादी के पहले राजस्थान के और मेवाड़ के आदिवासी वन उपज पर निर्भर करते थे, लेकिन धीरे धीरे वनों की उपज कम होती जा रही और आदिवासियों की संख्या बढ़ती जा रही, इसके कारण गरीबी और बढ़ रही है। अब इस गरीबी का समाधान क्या हो, कैसे उनका जो है पुराना जो धंधे है वो कैसे रिवाइव हो जाए, तो ये ऐसे विषय है कि जिस पर हमको आज गंभीरता से विचार करना चाहिए। और मैं सारे सदन से विश्वास करूंगा इसको जातिवादी आधार पर नहीं लिया जाए, अगर बारह ही जातियों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, कई जातियां तो ऐसी है जिनमें आज तक पढ़ाई नहीं पहुंची, 12 जातियां उनके 41 उप जातियां उनके सब पे आप डेटा तो मंगवाओ, उन सबकी जानकारी तो मंगवाओ, उन सब के बारे में क्या कितनी प्रगति हुई ये तो मंगवाओ। तो ये मंगवाने के बाद मालूम पड़ेगा कि आखिर आदिवासियों का कितना भला हुआ और कितना नहीं। ये कह जो आज 50 साल हो गए, 50 साल के बाद आज आवश्यक है कि बात का इवैल्यूएशन किया जाए कि आदिवासी कहाँ खड़ा है, ट्राइबल का कहाँ कैसे भला हो रहा है और कौन से कारण है जिन कारणों से इस भले में अवरोध पैदा हो रहा है, उन अवरोध को पैदा करने की स्थिति पैदा करनी चाहिए। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय मैं इससे ज्यादा विस्तार से नहीं, मैंने अपनी बात कही, आपने समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।